नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप बीबीसी के एक सीटू कूलर जो कि i200i सेंटर मॉडल है उसको अपने मदरबोर्ड के अंदर किस तरीके से फिट कर सकते हैं, मीन्स आप अपने एंड या इंटर मदरबोर्ड में उसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। आज इसमें आपको हम गाइड वीडियो बनाएंगे जिसके थ्रू आप अपने मदरबोर्ड में उसको ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपकी कोई किसी भी तरह की इंक्वायरी या किसी तरह का क्वेश्चन आपका मिस ना होता। तो हम इसको सबसे पहले इंटेल के मदरबोर्ड में फिट करना बताएंगे। ये हमारे पास एक इंटेल का मदरबोर्ड है, तो सबसे पहले हम इसमें इंस्टॉल करना बताएंगे कि आप ये जो फ़ैन है हमारा i200 मॉडल इसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आपके 3 हीट पाइप हैं, तो आप इसके कूलिंग की बहुत अच्छी है, कैपेसिटी वगैरह बहुत अच्छी है और कूलिंग बहुत अच्छी करता है। तो अब हम बात करें कि इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आपको जब आप ये बाय करेंगे तो इसके साथ आपको जो जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो आप हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो में देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरीके से फिट करेंगे। तो ये एक बेस और ये कुछ क्लिप्स इसके साथ दिए गए हैं। तो ये जो बेस है वो इंटेल को के मदरबोर्ड में फ़िट करने के यूज में आता है, तो हम इसी से ही इसको फिट करेंगे। ये हमारा मदरबोर्ड 77 सीरीज का है, तो अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे ये 3 सॉकेट्स हैं, तीनों अलग अलग सीरीज के इंटेल की के, जिसमें 77 सीरीज, 115 सीरीज और आपकी 11133 सीरीज आती है। तो हम इन तीनों को इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा 775 सीरीज का है तो हम इसके थ्रू आपको बताएंगे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। 775 सीरीज के लिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, आप इनमें सारी डिटेल दिखाओगे कौन सा सॉकेट किसके लिए। तो सबसे पहला सॉकेट 77 सीरीज के लिए, तो ये क्लिप्स है, ये क्लिप आपके इसके अंदर इंस्टॉल करने हैं हमें जिससे कि ये मदरबोर्ड के अंदर फिट हो सके। तो ये क्लिप्स आप देख सकते हैं साइड में इनके लिए स्पेस बना हुआ है जिनको हमें सिर्फ इसमें ब्रैकेट में फिट करना है। तो ये हर एक को लाइन से आप मिला के आप इसको फिट कर सकते हैं। ये मैंने एक फ़िट कर दिया, अगर आपका एक कोई भी गलत फिट हो जाए मीन्स आगे वाली में हो जाए तो आप इसको घबराइए मत, ये आपका अनइंस्टॉल हो सकता है। आपको सिर्फ ये क्लिप्स दबाने और इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। ये देखिए, ये इस तरीके से पुश करके ये फिर आपका बाहर निकला, क्योंकि जब हम इसको लगाते हैं तो ये जो आपके यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं आगे की तरफ लॉक हो जाते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ से पुश करना होता है जिससे कि ये आपका अंदर की तरफ पुश होके वापस बाहर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो हम इसको दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। ये हमने लगाया, लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ पुश करना, पुश करके अच्छी तरह लॉक कर देना है। इसी तरीके से हमें चारों के चारों इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। इनको इंस्टॉल करते टाइम आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि ये प्लास्टिक मेड है, तो किसी भी तरह की जोर ज़बरदस्ती ना करें, बिल्कुल आराम से ये अपने सॉकेट में फिट हो जाता है। तो इसलिए आराम से इसको फिट करें और अच्छी तरह प्रेस करें जिससे कि ये आपका अच्छी तरह यहाँ पे नीचे की तरफ लॉक हो जाए। तो हम इसको, ये मदरबोर्ड है और इसको मदरबोर्ड में फिक्स करते हैं। तो मदरबोर्ड में सबसे पहले हमें ये इस तरीके से प्रेस करेंगे, तो ये आपका देख सकते हैं बाहर की तरफ यहाँ निकला है, नीचे की तरफ चारों तरफ ये निकलाए हैं। तो हम इन्हीं में ही ये आपके इस मदरबोर्ड में इस तरीके से फिक्स हो गए। अब ये अभी, लेकिन ये अभी आपका पर्टिकुलर फिक्स नहीं हुआ है, जब हम फैन लगाएंगे तो निकल जाएगा। तो इसको पर्टिकुलर फिक्स करने के लिए मीन्स इसके अंदर जमाए रखने के लिए मदरबोर्ड के ऊपर ये क्लिप्स दिए गए हैं ब्लैक कलर के, जिनको आपको सिर्फ इसके अंदर डालना है और प्रेस कर देना है। उससे क्या होगा कि ये जो आपका नीचे का लॉक है जो कि मदरबोर्ड से बाहर निकला है, ये आपका एक तरीके से ओपन हो जाएगा इस क्लिप को लगाने के बाद। तो ये मदरबोर्ड में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। मैं एक बार चारों पिन लगाता हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा, मैं इसको खींच के दिखाऊंगा, लेकिन ये तब भी ये बाहर नहीं निकलेगा। ये मैंने चारों इंस्टॉल कर दिया। अब ये देखिए, ये मैं इसको पावर के साथ भी खींचा हूँ लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है, और पहले हमारा ये ईजिली आ गया। तो हमने इस तरीके से मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर दिया। और मदरबोर्ड में इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप मदरबोर्ड में नया मदरबोर्ड में या नए प्रोसेसर के ऊपर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका ये CPU ब्लैंक आता है, तो आप इसके ऊपर ये इसका कूलिंग पेस्ट दिया हुआ है, आप इसके ऊपर इसको लगाना ना भूलें। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इसके ऊपर लगाना ना भूलें जिससे कि ये आपके हीटिंग के को और कम करेगा। और उसके बाद हम देखेंगे, ये फ़ैन है, फ़ैन के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का ये वार्निंग स्टिकर लगा हुआ है,
तो फैन इंस्टॉल करने से पहले इस वार्निंग स्टिकर को सबसे पहले हटाएं। हटाने के बाद सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है इसको इंस्टॉल करना। ये आपने लॉक इंस्टॉल कर दिया। लॉक इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप ही एक सॉकेट इसका यहाँ पे इस लॉक में फंसाइए, ये हमने फंसा दिया। एक लॉक में फंसाने के बाद ये आपका दूसरी साइड का है, दूसरी साइड का हमें सिर्फ हल्का सा प्रेस करके इस दूसरे लॉक में यहाँ पे इसको फंसा देना है, ये इस तरीके से। इस तरीके से आप दोनों साइड इसको फंसा देंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा। और ये आपका इसमें इंस्टॉल हो गया है, ये इस तरीके से इंस्टॉल हो गया। अब इसका हमें बस ये फैन का कनेक्ट करना है और मदरबोर्ड आप अपने कैबिनेट में इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। अब हमें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। आप चाहें तो ये फ़ैन लगाने से पहले भी मदरबोर्ड अपना हम इसको अनइंस्टॉल करते हैं, ये प्रेस करेंगे और ये बाहर निकला है। आप इस तरीके से भी अपने मदरबोर्ड को पहले इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कैबिनेट के अंदर, उसके बाद आप इसको अपना फ़ैन को फिट कर सकते हैं। आपकी ये अपनी चॉइस है कि आप इसको पहले फिट करके फिक्स करते हैं या बाद में फिक्स करके फिट करते हैं। और ये तो है हमारा इंटेल के मदरबोर्ड के लिए। अगर आपकी दूसरी सीरीज है तो आप दूसरे इसको कट में इंस्टॉल करेंगे, और तीसरी सीरीज सबसे आगे वाले कट में इंस्टॉल करेंगे, तो आप अपनी सीरीज के हिसाब से भी इसको डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये एक ही सॉकेट आपका इंटेल की सारी सीरीज में यूज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आप इसको AMD के मदरबोर्ड में किस तरीके से फिट कर सकते हैं। तो ये आपका फ़ैन है AMD के मदरबोर्ड को, जो भी लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि AMD के मदरबोर्ड में इस तरीके का सॉकेट आता है और इंटेल के में सिंपल आता है, कुछ नहीं आता उसमें। तो ये AMD के किस मदरबोर्ड को के लिए हम ये सॉकेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास AMD का मदरबोर्ड फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो हम इस सॉकेट के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इसको AMD के मदरबोर्ड में किस तरीके से फिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको AMD के मदरबोर्ड में फिट करना। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, एक लॉक यहाँ फंसाना और किसी तरह का कोई क्लिप नहीं लगाना। और ये दूसरा जो लॉक है आपका, वो आपको दूसरे वाले में इसको इस तरीके से यहाँ पे बस फिक्स कर देना है। जब आप इसको बोर्ड और CPU के साथ लगाएंगे तो इतना ये लूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसके बीच में गैप है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लूज है। लेकिन जब आप इसको अपने मदरबोर्ड और प्रोसेसर के साथ लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होगा। आपको सिर्फ हल्का सा यहाँ से प्रेस भी करना होगा, इस साइड से आपको ये लगाने के लिए हल्का सा प्रेस भी करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद बस इसको थोड़ा ज़बरदस्ती करके इसमें फंसा दीजिए। ये जैसे ही आपका फंस जाएगा तो ये एक तरीके से पूरा इंस्टॉल हो जाएगा और फिर ये हिलेगा भी नहीं। तो ये इस तरीके से आप इसको AMD के मदरबोर्ड में यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आपको ये क्लिप एक्स्ट्रा दिए होते हैं, ये क्लिप जो है वो आपको, आप इसके अंदर एक फ़ैन और इस साइड इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए एक क्लिप एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इस तरीके से आप जैसे ये क्लिप देख सकते हैं, एक 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 फ़ैन लगा हुआ है, इसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरा फ़ैन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप 90 mm का एक कोई भी फ़ैन यहाँ पे, 80 mm 90 mm का फ़ैन यहाँ पे एक और इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपके और हीट को कवर करेगा। तो इसके लिए इसके साथ ये दो क्लिप भी दिए गए हैं। तो इसमें हमने आपको बताया कि आप इसको, इस वीडियो में हमने बताया कि आप अपने इस फ़ैन को जो i200 मॉडल है, इसको अपने मदरबोर्ड में इंटेल और AMD में किस तरीके से फिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमने आपको सब और हमने जो बताया वो आपके अच्छी तरह समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकें। और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि जिससे कि आपको नए अलर्ट या जो भी प्रोडक्ट्स हम नए लॉन्च करेंगे उनकी अलर्ट और डिटेल सबसे पहले आपको मिल सके। और मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे वीडियोज़ को, और वीडियो के एंड तक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।